हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आजादी का अमृत महोत्सव, राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए बीएसएफ की साइकिल रैली रवाना। रायथनवाला से केवड़िया तक 723 किलोमीटर का सफर तय करेगी साइकिल रैली। बाड़मेर सीमा सुरक्षा बल की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रविवार को रायथनवाला के केवड़िया के लिए साइकिल रैली रवाना हुई। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी एवं बीएसएफ वेस्टर्न कमांड के एडीजी एनएस जामवाल ने साइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि वे राष्ट्रीय एकता का संदेश देने वाली को रवाना करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। चौधरी ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल हर मोर्चे पर अपनी भूमिका को बखूबी निभा रही है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत साइकिल रैली का आयोजन कर आम जन को राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के साथ फिट इंडिया एवं अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश की एकता में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्होंने बीएसएफ के जवानों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि सरहद पर जवान चौकस एवं सतर्क रहें, पाकिस्तान को करारा जवाब देने एवं हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी ने रैली में शामिल होने वाले जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीमा सुरक्षा बल पश्चिमी कमान के अतिरिक्त महानिदेशक एनएस जामवाल ने कहा कि यह सिर्फ साइकिल रैली नहीं है, इसके जरिए आम जन तक राष्ट्रीय एकता का संदेश पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश की राष्ट्रीय एकता के लिए जो कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, उसी के अनुरूप बीएसएफ के जवान भी आम जन तक पहुंचकर देश की राष्ट्रीय एकता का संदेश देंगे। उन्होंने कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि हमने मिलकर कोरोना जैसी विपदा का मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में भी कोरोना को लेकर जागरूक रहने की जरूरत है। उन्होंने बीएसएफ के जवानों की हौसला अफजाई करते हुए साइकिल यात्रा में शामिल जवानों की शुभकामनाएं दी। सीमा सुरक्षा बल गुजरात फ्रंटियर के महानिरीक्षक जीएस मलिक ने कहा कि राष्ट्रीय एकता में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बेहद सराहनीय योगदान रहा। इस तरह के आयोजन से आम जन में राष्ट्रीय एकता को संदेश पहुंचने के साथ जवानों की हौसला अफजाई होती है। उन्होंने साइकिल यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान बाड़मेर सेक्टर उप महानिरीक्षक विनीत कुमार, जैसलमेर दक्षिण के उप महानिरीक्षक आनंद सिंह तशक, कमांडेंट जीएल मीना, राजपाल सिंह, मंजीत सिंह, रावत त्रिभुवन सिंह, शिव के पूर्व विधायक हरि सिंह सोडा, श्याम सिंह सुंदरा, कुमान सिंह सोडा, स्वरूप सिंह खारा समेत सीमा सुरक्षा बल जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि साइकिल रैली का समापन 723 किलोमीटर के सफर के साथ 26 अक्टूबर को केवड़िया में होगा। केवड़िया में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। सफर के दौरान साइकिल रैली में शामिल बीएसएफ के जवान राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के साथ आम जन को स्वतंत्रता सेनानियों के देश के आजादी में योगदान एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में आम जन को जागरूक करेंगे। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।